क्या लेने के लिए आप जा रहे थे वहाँ पे? हम तो सिर्फ टायर लोड करके आ रहे थे। सैडों से नीचे उतरे, अचानक से पूरे टायर ब्लास्ट किए। 10-15 आदमी थे जो आईडी कार्ड चेक करके तो उसको कत्ल कर दिया गया। कभी पंजाबियों ने भी किसी बलोची को मारा यहाँ पर? कयामत क्या होती है, कोई हमसे आके पूछे। जी मैं इस वक्त शेखपुरा के नवाही गांव मनिहारी वाला में मौजूद हूँ। कोयटा जाते हुए रास्ते में शेखपुरा के 3 जो दोस्त हैं उनके साथ भी अलमनाक जो हादसा पेश आया, जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से ट्रक से उतार के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं और इसमें जो भी उनके साथ साथी मौजूद थे उनको शहीद किया गया। मेरे साथ इस वक्त उनके दोस्त भी मौजूद हैं, उनकी फैमिली भी मौजूद है। मेरे साथ उनके दोस्त मौजूद हैं जो उस वक्त ट्रक में उनके साथ कुछ ही देर के फासले पर उनसे मुलाकात भी कर चुके थे। मुझे ये बताइए था, क्या लेने के लिए आप जा रहे थे वहाँ पे? हम तो सिर्फ टायर लोड करके आ रहे थे। अच्छा, लोड करने जा रहे थे। ठीक है, मैं ब्रेक हुई 10-15 मिनट में खड़े नहीं थी। जो ड्राइवर फोत हो गया ना, मजर हुसैन, ठीक है, इसने बोला है कि ऊपर पहाड़ों के ऊपर आदमी भाग रहे हैं। अच्छा, तो ना फटन है ना, उधर से एक चले जाने उतनी 4-5 मिनट में आ गया वहाँ। ठीक है, कितनी गाड़ी थी उनकी जिनके साथ ही वाक्य पेश आया? 3 गाड़ियों में कितने लोग थे? 8 लोग थे। हर गाड़ी में 2-2 फर्द मौजूद थे? में 2 थे, 2 में 3 थे। तो कैसे ये सारा वाक्य पेश आया, क्या मालूम है आपके पास? उन्होंने गाड़ी से उतार कर पहले आईडी कार्ड चेक किए। ठीक है, फिर चेक कर फिर उन्होंने शहीद कर दिया। ठीक है, वही मौके पे शहीद कर दिया। हाँ, मौके। अच्छा, नाका लगा के बैठे हुए थे या पहाड़ों से नीचे उतरे अचानक? पहाड़ों से नीचे उतरे अचानक से पहले टायर ब्लास्ट किए। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ कितने दोस्त जो शहीद हो चुके हैं सारे वाक्य में? बस शहीद 3। 3 है, तीनों दोस्त थे, तीनों इकट्ठे जा रहे थे? तीनों इकट्ठे जा रहे थे। ठीक है, क्या क्या नाम है तीनों का? एक का नाम है गजनफर अली। ठीक है, एक का नाम है मजहर अली, एक का नाम है आसफ। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मजहर है, गजनफर है, इसके अलावा तीसरा उनका दोस्त है, ये तीनों शहीद हो चुके होंगे, इनके साथ आपकी आखिरी दफ़ा क्या बात हुई थी? जब इस तो आखिरी दफा हमारी बात हुई थी ना इनसे, तो मजहर है ना, उसने बोला है कि ऊपर पहाड़ के ऊपर आदमी भाग रहे हैं। अच्छा, ये बोला है ना, तो हम उधर से निकल पड़े हैं। उससे पहले आप इकट्ठे खड़े हुए थे? इकट्ठे खड़े हुए थे। ऊपर खड़े होके मेन चारा पे आप क्या कर रहे थे? बस बातें कर रहे थे। हमें खुशी होती है हमारे पंजाब के आदमी उधर हमें मिले थे। अच्छा, आप वापस आ रहे थे और वो जा रहे थे? आ रहे थे, वो जा रहे थे, रास्ते में टाकरा हो गया। ये मेरे साथ गजनफर के जो बड़े भाई हैं वो भी मौजूद है, आप बताइएगा। 10-15 आदमी थे जो। ठीक है, गाड़ियों के आगे आ गए। अच्छा, नाका लगाया हुआ था? नाका लगाया, वो डर गए हमारे भाई, उन्होंने रोक लिया गाड़ियों से घसीटा। ठीक है, घसीट के नीचे ले आया। ठीक है, वो बोलते हैं भी ऊपर तुम्हें लेकर गया मैं, उसने फिर हमसे पैसे ले दो, जो चाहे मर्जी ले जाओ, मैं हमें छोड़ दो। ठीक है, उन्होंने कोई नहीं मारा, उन्होंने बोला है ऊपर दहशत करते हैं, वो उनको पकड़ करना है। अच्छा, तो आपको साथ लेके जाना? आपके साथ ले फिर जब ऊपर लेकर गए ऊपर, पहले वो मुनीर को उन्होंने पैर मारा। अच्छा, एक गजनफर, मजहर और तीसरा मुनीर था इनके साथ, या चौथा मुनीर? तीसरा कौन था? तीसरा आसिफ, आसिफ था। आसिफ भी शहीद हो गया, मजहर भी शहीद हो गया और गजनफर भी शहीद। ठीक है, और वो है ना मुनीर, ठीक है, वो जख्मी, गाड़ियाँ उधर ही खड़ी थी और फिर उसने गजनफर को उन्होंने मारा, इस दर सारों को रही मारा। अच्छा, और वो फिर आसफ था, मजहर, मजहर को इधर गले में मारी दो, आसफ को बहुत गले में मारे, उसके मुँह में मारी है, बेदर्दी के साथ उन्हें शहीद किया गया। ठीक है, अभी आपके कितने बच्चे हैं जो लापता हैं? अभी 2 बच्चे हैं लापता, एक मजहर का बच्चा है और एक आसफ का साथ। ठीक है, और जो मुनीर के साथ बच्चा था वो कहाँ पे है? वो महफूज है, वो महफूज है। तो आपसे आखिरी दफा क्या बात हुई है उसकी? सर, आखिरी दफा हमारी बात क्या हुई, आपको बता रहे हैं कि 3 दिन पहले उस बंदे की यहाँ बेटी हुई है, बेटी की डेथ हो गई। हमारे ऊपर पहले ही इतनी परेशानी और इतना दहशत का आलम था कि हम लोग अपनी परेशानी में थे, वहाँ उसको गाड़ी को लेके जाना था, वो चला गया इस उम्मीद पे कि वो जल्दी 2-3 दिन बाद वापस आ जाए, लेकिन हमें क्या पता था कि वहाँ पर ये जो दरिंदे लोग बैठे हुए हैं कि वो उसका खून भी वहाँ पर निचोड़ लेंगे। हम किससे अपील करें? एक बंदा, 2 बंदे ग्रोह बन के बैठा हुआ है, वह बच्चा यहाँ से निकला 3 दिन पहले अपने रोज़गार के लिए कि मैं इस उम्मीद पे कि 2-3 बाद वापस आ जाऊँगा, और वो वापस इस हालत में हमें मिला है कि आज यहाँ पर एक क़यामत की घड़ी है। क़यामत क्या होती है, कोई हमसे आके पूछे। अगर किसी को क़यामत देखनी है तो वह यहाँ आ जाए, देखे कि किस तरह किस करब से हम गुजर रहे हैं। हमें 3 दिन हो गए आज,
हमें किसी ने इतनी सपोर्ट नहीं की कि आपकी लाश है, आपकी लाश को हेल्प कर दे। हम तीन दिन से रुल रहे हैं अपनी लाश लेने के लिए। आज तीसरा दिन है, हम लाश किस तरीके से लेकर यहाँ पर पहुँचे। अपनी लाश हमें किसी ने इतना सहारा नहीं दिया कि आप आओ, हम आपके सपोर्ट करते हैं, आप अपनी लाश तो कम से कम ले दें। एक सिर्फ पंजाब का बंदा जो वहाँ पर मेहनत मजदूरी करने गया, उस आईडी कार्ड चेक करके तो उसको कत्ल कर दिया गया। यार क्या कभी पंजाबियों ने भी किसी बलोची को मारा यहाँ पर? तो मेरे साथ गजनफर अली जो के ट्रक ड्राइवर थे जिनको शहीद कर दिया गया, उनके वालदैन मौजूद है। उनकी जो मैयत है वो आज ही अपने घर पहुंची है। इनके वालदैन से गुफ्तगू करते हैं जो इस वक्त बड़े पुर की हालत में है। बच्चे ने आख्या भी तू ना जा, आधा मेहनत मजदूरी कितिया कि ऑपरेशन ना बच्ची हुई तो बच्ची भी फौत हो रही है। वो हूँ उन्होंने ऐसा कह सी कि तू ना जा, दो दे रहो मुड़े कल मुड़ शहर ले जाना है। वो सके नहीं जावा गए, तू मेहनत मजदूरी की ना तो इन कल मैंने जवाई दार देगा नहीं दे के आऊँ। इस गल उसी फोन करो आंदा दो देख लो जाओ, मैं दो दिन दिन आ जाऊँ, एक फेरा ना के तो मैं आ जाऊँगी तो बच्ची ने ऑपरेशन होना वो एक दे बच्ची चाहिए दुए दो टुट गया वक्त है तक तू वापस आओगे सब इतनी बहुत ओके फोन करता मैं लगा आना लगा आना उस सुबह का टाइम है सामू फोन और बच्चे ने चाह लिया सर दवाई मंगते रहो कि सारा सारा बच्चा वापस पा लो। क्या तुम्हें पता लगता हो कि तेरा बच्चा शौक हो गया?